आज से लगभग 2 सदी पहले एक अंग्रेज अधिकारी पिथौरागढ़ की सुदूर पूर्व दारमा घाटी में अपने तमाम लाव लश्कर के साथ भ्रमण कर रहा था। धारचूला से जैसे ही लगभग 20 किलोमीटर तवा घाट पहुंचकर इस अंग्रेज अधिकारी का सरकारी काफिला दारमा घाटी के अंतिम 3 गांवों में से सबसे पहले दांतू गांव पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि न्योला नदी और धौली गंगा के संगम पर कई बोरों में रुपया पैसा भरकर रखा हुआ है। नदी किनारे एक शौका महिला अपने पुरोहितों के साथ पूजा अनुष्ठानों में व्यस्त है। पूजा अनुष्ठान समाप्त होते ही वो महिला रुपयों पैसों से भरे उन बोरों को नदी में उड़ेने लगती है। ये देखकर उस अंग्रेज अधिकारी के होश उड़ गए। उसने अपने मातहतों को तुरंत उस महिला के पास भेजा और इस हद तक पागलपन का कारण पूछा। पता चला कि महिला अपने मृत पति के अंतिम संस्कार के बाद नदी में रुपया संपदा बहाकर परोपकार के वो तमाम धार्मिक अनुष्ठान कर रही है जिसको करने से उसके मृत पति की आत्मा को शांति मिलती। वो अंग्रेज अधिकारी तुरंत उस महिला के पास पहुंचा और बड़े सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया। उसने उस शौका महिला को समझाया कि अगर उसे दान करना ही है तो वो क्यों नहीं किसी निर्धन या जरूरतमंद को ये सब दान कर पुण्य कमाए। पहले तो उस अनपढ़ महिला को कुछ समझ नहीं आया और जब आया तो फिर उसने कालांतर में वो काम किया जिसके लिए उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इतिहास में ये महिला कुमाऊं की सबसे दानवीर महिला की उपाधि से नवाजी गई। ये महिला थी दारमा घाटी की जसूली देवी, जिसे इतिहास में दानवीर जसूली शौकियाणी के नाम से याद रखा गया। नमस्कार, मेरा नाम है अमन रावत और आप देख रहे हैं 12 मासा की श्रृंखला डांडी कांठी का विशेष कार्यक्रम। जसूली देवी की शानो शौकत और दानवीर होने की कहानी तब मुकम्मल तरीके से समझ आएगी जब हम रंग जनजाति के बारे में विस्तार से जान लेंगे। पिथौरागढ़ के सबसे पूर्व में ऐसी घाटियां हैं जहां के लोग सैकड़ों सालों से तिब्बत व्यापार कर रहे हैं। दारमा, व्यास, चौदास और जोहार घाटी कभी इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलते बहुत समृद्ध हुआ करती थी। ऐसी ही एक घाटी है दारमा, जिसके सबसे आखिरी गांव में मौजूद है दांतू। दांतू गांव पंचाचूली पर्वत श्रृंखला का बेस कैंप भी है। इसी गांव से जसूली देवी की दुनिया शुरू होती है। दरअसल जसूली देवी रंग जनजाति से आती थी। शक्ति प्रसाद सकलानी की किताब उत्तराखंड की विभूतियों के अनुसार जसूली देवी की अनुमानित जन्मतिथि 19वीं सदी के पहले दशक में मानी जाती है। उनके अनुसार साल 1805 में जसूली देवी का जन्म हुआ था। जसूली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जसूली देवी के परिवार से ही ताल्लुक रखने वाले स्वर्गीय नैन सिंह बोनाल अपने एक लेख में बताते हैं कि जसूली देवी का विवाह व्यापारी जम्बू सिंह के साथ हुआ था। उनका एक बेटा बछुआ हुआ जो जन्म से ही बोल पाने में असमर्थ था और जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के कुछ समय बाद ही पति जम्बू सिंह दताल भी चल बसे। जम्बू सिंह के परिवार की आर्थिक हालात पूरे इलाके में सबसे अच्छी थी। उधर पति जम्बू सिंह मरने से पहले जसूली को उस धन दौलत के बारे में भी बता गए जो उन्होंने कभी खेतों में दबा कर रखी हुई थी। अनुमान है कि खेतों में ही दबी दौलत करोड़ों रुपयों के बराबर थी। धनी परिवार से होने की वजह से उनका संपूर्ण क्षेत्र में बड़ा ही रुतबा था। जिस दिन जम्बू सिंह का अंतिम संस्कार होना था उस दिन जसूली देवी ने अपने नौकर चाकरों को आदेश दिया और कहा कि दांतू गाँव से न्योला नदी के किनारे तक निगाल की एक चटाई बिछाई जाए। असल में ये वो वक्त था जब अमीर लोग गंगा में दान करने को पुण्य का काम मानते थे, लेकिन ये दान भी कुछ सिक्कों को नदी में बहा देने भर का ही होता था क्योंकि लोगों के पास इससे ज़्यादा दान करने के लिए होता ही नहीं था। लेकिन जसूली देवी की बात कुछ और थी। उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी और न ही उन्हें अब पति और बेटे की मौत के बाद कोई मोह रह गया था। बहरहाल जसूली देवी के आदेश के बाद नौकर तैयारियों में जुट गए। इसी दिन दारमा घाटी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों का दौरा भी सुनिश्चित था जिसमें तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे भी शामिल था। आसपास के गांव वालों को मालूम था कि जसूली देवी पति की मौत के बाद बचे हुए सारे धन को नदी में प्रवाहित करने वाली हैं। जाहिर तौर पर जो अंग्रेज अधिकारी वहां पहुंचे थे उन्हें भी ये बात मालूम हो गई और ये सब सुनकर वो हैरत में पड़ गए। ऐसे में अंग्रेज अधिकारियों ने जसूली देवी से मिलने की इच्छा जताई। जसूली देवी इस वक्त नदी के किनारे पहुँच चुकी थी और सोने चांदी के सिक्के बहाने लगी थी। कुछ बोरों में भरे सिक्के नदी में प्रवाह में बह भी चुके थे। अंग्रेज अधिकारी तुरंत वहां पहुंचे और जसूली देवी को रोक लिया। अंग्रेज अधिकारी जसूली देवी से मिले तो उन्होंने जसूली को समझाया कि इस तरह इतने सारे धन को नदी में बहा देना व्यर्थ है, ये कोई दान धर्म नहीं है। असल दान तब होगा जब आप इस धन को बहाने की बजाय आसपास के क्षेत्र में कोई धर्मशालाएं, सड़क, विद्यालय या अस्पताल बनवाएं जो कि जनता के काम भी आएगा और जिससे आने वाली पीढ़ी आपको याद भी रखेगी। जसूली देवी अंग्रेज अधिकारियों की बात ध्यान से सुन रही थी। वो उनकी बात से सहमत भी थी। जसूली देवी के पास मौजूद इतनी संपत्ति को देख अंग्रेज आश्चर्य में थे और माना जाता है कि इसके बाद से ही अंग्रेजों ने दारमा घाटी को दारमा परगना कहना शुरू किया। कालांतर में जसूली देवी ने बचे हुए धन का उपयोग धर्मशालाएं बनाने में किया।
नेपाल के डोटी और आवाछाम में साथ ही तिब्बत की कुछ मुख्य जगहों पर जसूली ने कम से कम 250 धर्मशालाओं का निर्माण किया। कुछ लेखों के अनुसार जसूली देवी ने धारचूला से लेकर हल्द्वानी तक करीब 300 धर्मशालाएं बनवाई। जसूली देवी ने नेपाल, तिब्बत और कुमाऊं क्षेत्र में कुल मिलाकर 500 से ज़्यादा धर्मशालाओं की स्थापना की। इसके बाद भी जो कुछ धनराशि बच गई थी उसे जसूली ने अल्मोड़ा बैंक में जमा कर दिया था। कहा जाता है कि ये धनराशि अभी भी उसी अल्मोड़ा बैंक में जमा है। इस तरह से सैकड़ों धर्मशालाओं के निर्माण के बाद जसूली देवी दानवीर जसूली देवी शौक्याणी के नाम से जानी जाने लगी। जसूली द्वारा निर्मित धर्मशालाएं देवाल, नारायण तिवाड़ी और अल्मोड़ा में अभी भी मौजूद हैं। जसूली देवी द्वारा अधिकतर धर्मशालाएं उन मार्गों पर भी बनाई गई थी जो भोटिया व्यापारियों का यात्रा का मुख्य पड़ाव होते थे। जसूली देवी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भी कुछ धर्मशालाएं बनवाई थी। इन धर्मशालाओं के बनने के करीब 150 साल बाद तक भी लोग इनका उपयोग करते रहे। साल 1970 तक जब सड़कों की पहुंच गांव-गांव तक हो गई तब इनमें से अधिकतर धर्मशालाएं उपेक्षित हो गई थी। जसूली शौक्याणी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह भी है कि अपने जीवन का बाकी बचा समय उन्होंने कुतिया दताल के साथ उनकी पत्नी बनकर बिताया। कुतिया दताल के बेटे सेन सिंह दताल को जसूली ने अपना भी बेटा मान लिया था। जसूली देवी को पौत्र हुए सनपाल सिंह दताल। सनपाल सिंह दताल के सगे भांजे नैन सिंह बोनाल ही थे जिनका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था। जसूली देवी के जन्म के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण कम ही मिलता है। शक्ति प्रसाद सकलानी की किताब उत्तराखंड की विभूतियां के अनुसार जसूली देवी का अनुमानित जन्म वर्ष 1805 है और मृत्यु का वर्ष 1895। संभवतः इस बात में काफ़ी हद तक सत्यता भी हो। बहरहाल पिथौरागढ़ से धारचूला के बीच मौजूद एक जगह सतगढ़ में जसूली देवी द्वारा बनाई गई धर्मशालाएं अपने खंडहर रूप में अब भी दिख जाया करती हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा कई बार इन पुरानी धर्मशालाओं के नवीनीकरण की बात तो कही जा चुकी है मगर ये बातें भी सिर्फ हवाई ही रह गई हैं। हालांकि कुछ जगहों पर इन धर्मशालाओं की स्थिति को सुधारा जरूर गया है। मसलन पिछले साल नैनीताल के सुयालबाड़ी क्षेत्र में जसूली देवी द्वारा बनाई गई धर्मशालाओं को नया स्वरूप प्रदान किया गया। काकड़ी घाट में मौजूद धर्मशाला का भी जीर्णोद्धार किया गया था। सुयालबाड़ी में स्थित धर्मशाला को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए इसे 13 जिले 13 डेस्टिनेशन योजना में शामिल किया गया। जसूली देवी के गांव दांतू में आज उनका एक मंदिर भी बनाया गया है। रंग कल्याण समिति लंबे अरसे से इन धर्मशालाओं को पुरातत्व धरोहर घोषित करने की बात कहते आई है। प्रदेश सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पहाड़ की ऐसी विरासतों को सहेज कर रखा जाए ताकि भावी पीढ़ी अपने इतिहास और ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में जान सके। उत्तराखंड में ऐसी ही अनेकों अन्य विभूतियाँ भी रही हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को मालूम है। हालांकि पिथौरागढ़ जिले के ऐसे ही दानवीर थे दान सिंह मालदार, जिनके बारे में आप 12 मासा का कार्यक्रम विरासत देखकर जान सकते हैं। उसका लिंक आपकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 12 मासा का ये प्रयास है कि इतिहास में गुम हो चुकी ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू कराया जाए। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए 12 मासा।